तो इस साल पठान और जवान के धमाके के बाद शाहरुख खान की तीसरी मूवी डंकी का एक छोटा सा टीजर आया है जिसको ड्रॉप 1 का नाम दिया है इसके मेकर्स ने, और हमें इसके बाद ड्रॉप 2 भी दिखाया जाएगा जो प्रोबेबली इससे छोटा ही होगा। तो इस टीजर को ड्रॉप किया गया है SRK के बर्थडे पर, तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे SRK आपको। वैसे कौन सा ये वीडियो उनके पास जाएगी, लेकिन फिर भी एनीवेज बात करें इसके टीजर की, तो इसको देख के मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था कि कहीं तो ये देखा देखा लग रहा है। एंड ये फिर लास्ट में मैंने शाहरुख खान का ये वाला सीन देखा तो मुझे 100% इसको देखकर जीरो मूवी की याद आ गई। जो उनका कैरेक्टर बउआ सिंह था बिल्कुल सेम वैसे ही वाइब्स आ रही थी। लेकिन उसे छोड़ दें तो डंकी की कहानी जितना मुझे टीजर देखकर समझ में आती है कुछ ग्रुप ऑफ लोगों के बारे में होगी जो लंदन जाने के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स बनकर जाएंगे किसी काम के सिलसिले में, लेकिन उन्हें वहां जाकर अपने देश की याद आएगी या कुछ उनके साथ ऐसा होगा जिस वजह से वो वापस आने का सोचेंगे, लेकिन क्योंकि वहां इलीगली जाएंगे वो सब या कुछ कांड कर देंगे जिस वजह से उन्हें इलीगल तरीके से वहां से वापस भी आना होगा। क्योंकि जब डंकी का पोस्टर रिलीज हुआ था उसमें आप देख सकते हो वर्ल्ड मैप में लंदन और इंडिया के बीच में नेविगेशन बना हुआ था अलग अलग कंट्रीज से गुजरते हुए, और लास्ट में उनका पड़ाव होगा पाकिस्तान इंडिया में एंटर होने से पहले, जो सिर्फ टीजर देखकर ही पता नहीं चल रहा। बट डंकी के विकिपीडिया पेज का प्रिमाइस भी यही कहता है कि ये फिल्म इलीगल इमिग्रेशन के टॉपिक पर होगी। तो ये काइंड ऑफ इमोशनल देश प्रेम का कॉन्सेप्ट होगा इस फिल्म का, जो कि हमें शाहरुख खान की एक और मूवी स्वदेश में भी देखने को मिला था। बस इसकी स्टोरी एंड जॉनर डिफरेंट होगा जिसमें कॉमेडी एंड थोड़ा ड्रामा का तड़का होगा। और इस टीजर में मेरे लिए सरप्राइज एलिमेंट थे विकी कौशल, हुम आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल कि वो मूवी में होंगे, और तापसी पन्नू एंड बमन ईरानी भी हैं इस फिल्म में जो कि इसे एक बहुत ही बेमिसाल स्टार कास्ट बना देता है। देखो भले ही इस मूवी का टीजर मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, लेकिन राजकुमार हिरानी की एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन पे भरोसा है, और उनके मूवीज के जब भी टीजर या ट्रेलर आते थे तो वो वैसे ही होते थे जिसे देखकर लगता था कि ये क्या बना दिया। और भले ही उनकी फिल्मों की ओपनिंग कुछ खास नहीं मिलती, बट लॉन्ग रन में उनकी मूवी हमेशा एक दो महीने तक रन करती ही है। सो फिंगर्स क्रॉस इस मूवी के लिए, और बैक टू बैक दो ब्लॉकबस्टर्स देने के बाद क्या आपको लगता है कि SRK इस मूवी से अपनी हैट्रिक मारेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको इसका टीजर कैसा लगा। मिलते हैं आपसे आपके नजदीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।